लोकप्रिय भजन गायक सुरेश वाडेकर के साथ गोरखपुर महोत्सव के मंच पर अपना जलवा बिखेरने वाले आकाश दुबे अपने गुरु सुरेश वाडेकर के पद चिन्हों पर चलते हुए गायन के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने में लगे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आकाश दुबे ने कहा, प्रेरणा तो देखिए बहुत कुछ मिल चुकी है, ऑफ कोर्स इतने बड़े गुरु हैं। 2015 में मैं उनके पास गया था और हमारे मेरे बड़े ही बड़े भैया हैं रविकांत त्रिपाठी, तो उन्होंने मुझे उनके पास वो लेके गए कि मैं मम्मी पापा से बोला कि मेरे को मुंबई जाना है, मेरे को संगीत गाने को अपने और निखारना है। तो सीधा मैं अपने जाके गुरु जी का ही पैर पकड़ा मैं, और आज ऑलमोस्ट मेरे को 3 साल हो गए हैं उनके साथ, और मैंने करीबन 8 से भी ज़्यादा शोज़ उनके साथ में कर चुका हूँ, अभी भी किया है गोरखपुर महोत्सव में। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और उनका आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत ज़्यादा, एक तो मैं खुद भी, मेरा सपना था वो 3-4 सालों से कि मैं अपने गुरुजी के साथ अपने गोरखपुर शहर में आके गाऊँ, और वो हुआ भी। और एक फ़ायदा ये मिल गया कि मैं लोकल का बच्चा हूँ, तो जैसे ही गुरुजी ने ये अनाउंस किया कि मेरे गांव का नाम लिया उन्होंने और मेरा पूरा नाम लिया, तो जो भी मेरे रिश्तेदार, मेरे माता पिता, मेरे घर वाले आए थे, तो वो उन्होंने तो शूटिंग की, प्लस पीछे जो लोकल पब्लिक बैठी थी, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया मुझे स्टेज पे आने के बाद। गाना मैंने शुरू किया है 5 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था, बट सीखा काफ़ी ही लेट, का बहुत लेट सीखना शुरू किया है मैंने, क्योंकि पापा भी CISF में हैं, तो वो पुलिस की जॉब, तो ऐसी जगह हमारा आज तक ट्रांसफ़र होते रहा कि ज़्यादा सीखने को मिला नहीं। तो 9th-10th class से मैंने सीखना शुरू किया, फिर 11th सीखा, 12th छोड़ दिया, फिर 12th के बाद से लगातार 3 साल से अब मैं सीख रहा हूँ, कंटिन्यू सीख रहा हूँ सुरेश जी के साथ में। देखिए, तो पहले मैं पॉप का बताना चाहूँगा कि समय है एक हवा के झोंके जैसा, आज है कल नहीं रहेगा। तो पॉप म्यूज़िक का ऐसा मुझे लगता है, बाकी लोगों को तो नहीं पता, कि पॉप म्यूज़िक का ज़्यादा ज़िंदगी उसका है नहीं।